Good morning and praise the Lord, and God bless all of you as we spend these few minutes in silence listening to the voice of God. सुप्रभात मेरे मित्रों और परमेश्वर आप सबको आशीष दे जैसे कि हम इस दिन की शुरुआत में कुछ क्षण को बिताते हैं परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए. We have been meditating on this passage in Revelation chapter 1 verses 10 to 17. और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका पहला अध्याय दसवें वचन से लेकर सत्रहवें वचन की ओर हम अपने मन को रखे हुए हैं. The glorified Christ. और जो है महिमामय यीशु. Today we shall read verse 17. और आज के दिन हम सत्रहवें वचन को पढ़ेंगे. Verse 17 says, "When I saw him, I fell at his feet as though dead. But he laid his right hand on me, saying, 'Fear not, I am the first and the last.'" जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा. उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ. On the Mount of Transfiguration, John had already seen a glimpse of Christ's glory. और उस रूपांतरण के पहाड़ में यहुन्ना ने परमेश्वर की महिमा को पहले ही अनुभव कर लिया था. There the face of Jesus shone like the sun, and his clothes glittered like lightning flashes. और उस रूपांतरण के पहाड़ पर उसका मुख सूर्य की रोशनी के समान प्रज्वलित था, चमकता था, और उसके वस्त्र इस प्रकार चमकते थे कि मानो कोई बड़ी ज्योति, अद्भुत ज्योति वहां से आती हो. And that was the outshining of the inner glory. और वो था अंदर मौजूद महिमा का बाहरी रूप से दिखना. We read this incident in the Gospel according to St. Matthew chapter 17 verse 2. और इस बात को हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय दूसरे वचन में. But in this case, लेकिन इस जगह पर, the disciples were awed but not struck down. लेकिन इस स्थान पर रूपांतरण के पहाड़ पर जो चेले थे वो उस अद्भुत बात को देखकर जो है एक भौचक्केपन से, एक आदर और सम्मान से भर गए, ना कि उन्हें मार दिया गया. You remember Saul of Tarsus was struck down to the ground at the sight of this glory. और याद रखिए, अगर आपको याद हो कि पौलुस जो तार्सस नगर से आता था, जब उसका ऐसी महिमा से मुठभेड़ हुआ तो वो नीचे गिर गया उस दमास्कस रोड सड़क से पहले. We also see John the disciple struck down as dead when he saw the glory of. और हम देखते हैं यहुन्ना उस चेले को भी जिसने इस महिमा को देखा, वो भी इस महिमा को देखकर नीचे गिर पड़ा. Here John on Patmos. लेकिन यहाँ पर यहुन्ना तो उस पत्मोस नामक द्वीप पर मौजूद था. But there he was not able to stand the full impact of the glory of God in Christ, and he fell into a state of unconsciousness. लेकिन इस स्थान पर भी यहुन्ना परमेश्वर की उस महिमा को देखकर खड़े होने के लिए सामर्थ्य नहीं था, और इसी कारण वर्ष वो मुर्दे सा समान नीचे परमेश्वर के सम्मुख गिर गया. Then the same right hand has touched him. और उसी दाहिने हाथ ने यहुन्ना को छुआ. You know, my understanding of falling and slaying in the spirit is. और मेरी समझ जो परमेश्वर के समक्ष गिरना या परमेश्वर के समक्ष दंडवत करना के विषय में ये है. It is true that no one can question experiences of men and women. और ये तो सही है कि कोई भी बात किसी मनुष्य, किसी पुरुष या महिला के अनुभव के ऊपर सवाल नहीं उठा If सकता. If these experiences are in conformity with God's word. लेकिन अगर ये अनुभव परमेश्वर के वचन अनुसार हैं तब. Now I believe in the sovereignty of the Holy Spirit. और मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा के पूर्ण नियंत्रण और हर एक बात को जानने और पहचानने में. And in his sovereignty, he meets the needs of a person. और अपनी उस संपूर्ण ज्ञान में पवित्र आत्मा हर एक जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करता है. Or a family, or a church. चाहे वो व्यक्ति हो, परिवार हो, या कलीसिया हो. In the Bible, और पवित्र शास्त्र में, there were men who fell. ऐसे मनुष्य थे जो गिरे. But the way and the reasons were also different. लेकिन जिस तरीके से और जिस कारण वर्ष वो गिरे वो अलग थे. From what it is today. लेकिन जो आज के दिन है उससे कहीं अलग. None of them considered it
an experience for everyone. उनमें से किसी ने भी इसे हर एक के लिए अनुभव नहीं बताया. And all the time. और हर समय के लिए. And no one took it up as a ministry in every meeting. और ना ही किसी ने इसे एक सेवकाई के रूप में हर सभा के में करने के लिए अपने ऊपर लिया. It was always the resulting experience of a vision of the glory of God. लेकिन ये तो परिणाम स्वरूप होता था तब जब किसी एक को उस पर जीवित परमेश्वर की महिमा का अनुभव दृष्टिकरण होता था. And whenever anyone had such a revelation of His glory. और जब कभी भी किसी को भी उसकी महिमा का ऐसा प्रतिकरण मिलता था, they always fell face down. तब वो हर वक्त दंडवत होकर नीचे गिर जाते थे. And men could not take the impact of the power of the brilliance of the glory of the risen Lord. और मनुष्य कभी उस जीवित परमेश्वर की महिमा के सामर्थ्य को देखने योग्य नहीं है. I want such an experience. और मैं भी ऐसे ही अनुभव को करना चाहता हूँ. But nowadays, लेकिन आज के दिनों में, it is a falling ministry and all. How do they do it? आज के दिन ये गिराने वाली सेवकाई लोग कैसे करते हैं? I have seen people pushing ministers pushing people. मैंने देखा है परमेश्वर के जो लोग हैं या जो पासवान खुद को कहते हैं वो लोगों को धकेलते हैं. And I even witnessed one scene in one of the meeting. The minister was trying hard to push one fellow down. और मैंने एक सभा में इस प्रकार देखा कि वो सेवक परमेश्वर का जो पासवान था, वो पासवान जो है एक व्यक्ति को बड़े देर से प्रयत्न कर रहा था धकेलने. But that fellow was very firm and he didn't fall. लेकिन वो व्यक्ति भी बड़ा हार नहीं माना और खड़ा रहा और नहीं गिरा. And then that fellow ran away from this minister. और वो व्यक्ति इस पासवान से भाग खड़ा हुआ. And I saw the minister also running after him. और मैंने देखा कि ये जो पासवान है वो भी उसके पीछे दौड़ने लगा. And why? क्यों? And once a person falls, और जब एक व्यक्ति गिरता है, then there is satisfaction. तब तृप्ति आती है. Then the minister will leave that person and go to somebody. तब वो संतोष मिलता है और वो सेवा कार्य करने वाला उस व्यक्ति को छोड़ देता है. And suddenly they say, yeah, he got it. और वो अचानक से कहेंगे, उसे मिल गया, उसे मिल गया. Now what did he get? और उसे क्या मिला? Nobody knows. किसी को नहीं पता. And my friends, मेरे मित्रों. Let us be very careful about what we accept. होने दे हम इस बात को लेकर बड़े संवेदनशील रहे कि हम क्या ग्रहण करते हैं. I notice that believers, even believers, are so naive, and they don't. It is all because they don't look into God's word and go deeper in the knowledge of God's word. मैंने इस बात को देखा है कि यहाँ तक विश्वासी भी बड़ी सरलता से हर बात पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर के वचन को ना पढ़कर उसमें गहरे रूप से अध्ययन नहीं करते. And when the Holy Spirit come, और जब पवित्र आत्मा आता है, we have some idea that the person has to shake and then howl and shout shake all over. तब हमारे पास ये एक अनुभव या विचार है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो एक व्यक्ति को चिल्लाना है, हिलना है और कपकपाना है. Unless the Holy Spirit makes you do this, you don't have to do. और जब तक पवित्र आत्मा आपको ऐसा करने को ना करे, कहे करने के लिए ना करे, तब तक आप इसे ना करें. The Holy Spirit can come upon you anyway, even if you are very quietly worshiping the Lord. और पवित्र आत्मा आपके ऊपर तब भी आ सकता है जब आप बड़े शांत रीति से भी परमेश्वर का आराधना कर रहे हैं. You don't have to shake in order to speak in tongues. और आपको कपकपाने या हिलने की जरूरत नहीं है जब आपको अन्य भाषा में बात करना है. The Spirit of God can come in a gentle way. और परमेश्वर का पवित्र आत्मा एक नम्र तरीके से भी आ सकता है. And you will continue to speak in tongues. और आप निरंतर रूप से उस अन्य भाषा में बोलते रहेंगे. Without shaking. और ना बिना हिलते हुए. And without shouting. और ना ही चिल्लाते हुए. The external manifestation. और वो है बाहर से दिखाई गई जो प्रस्तुतिकरण है. With some people it can happen. कुछ लोगों के संग ऐसा हो सकता है. You shout and you shake all these things. आप चिल्लाएं और आप कपकपाएं हिलें. But as long as it is not insisted upon those who don't have that outward expression. लेकिन जब तक पवित्र आत्मा ऐसा ना करे, आप उसे ना करें बाहरी रूप से. But here is the point.
लेकिन यहाँ पर ये बात है जो हमें सीखना है। Jesus in His glory. परमेश्वर अपनी यीशु अपनी महिमा में। And when John saw it, और जब यहूदा ने उसे देखा, he fell on the ground as if he was dead. और वो उस जमीन पे गिर गया मुर्दे के समान। And the same right hand in which the pastors of the churches are held. Reached out to him and touched him. और उसी दाहिने हाथ जिसमें सात कलीसियाओं के सात अगवे हैं, उसी दाहिने हाथ से परमेश्वर ने उसे छुआ। Ever watchful Lord and King. और वो हमेशा हमें देखने और संभालने वाला हमारा परमेश्वर प्रभु और राजा। This, I pray that you will have a better understanding of how our blessed Savior looks like. In his outward appearance in heaven. मेरी प्रार्थना ये है कि आपके पास और एक बहुत सही समझ होने पाए कि कैसे हमारा ये उद्धारकर्ता अपने बाहरी रूप से प्रस्तुतीकरण करता है। This is our God. यही हमारा परमेश्वर है। He is still the same. और ये आज भी वही है। And may the Lord bless us with such a revelation, such understanding of this greatness of God. और होने दे परमेश्वर हमें ऐसे प्रकाशन से भर दे जो परमेश्वर की महानता के विषय में। He is royalty. उसकी राजकीयता। He is kingly. He is all splendor. और वो महिमा अद्भुत और राजकीय रूप से भरा। He lives an unapproachable light. और एक ऐसी ज्योति में विराजमान है जिसके निकट कोई नहीं जा सकता। Hallelujah. Hallelujah. And He is still the same. और वो आज भी वही परमेश्वर। And one day. We are going to see him. और एक दिन हम उसे देखेंगे। And the Bible says. और वचन बताता है। When we see him face to face. कि जब हम उसे आमने सामने देखेंगे। We shall be like him. तब हम उसके समान हो जाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. Wait for that day. और उस दिन का इंतजार करें। Prepare करें। for that day. उस दिन के लिए तैयारी करें। One of these days it is going to happen. और इनमें से किसी भी एक दिन ऐसा ही होगा। You prepare for the rapture. अब आप तैयारी करें उठकर And you also help others preparing for the rapture. और आप दूसरों की भी करे कि वो कलीसिया के उठाए जाने के लिए तैयार हो और यीशु को देखें। हालेलुया। हालेलुया। And without holiness, और पवित्रता के बिना, no one can see God. परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता। So live holy life. और इसलिए पवित्र जीवन बिताएं। Lord, we thank you. और इसलिए परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। You have spoken to us through this passage. और तूने इस वचन के द्वारा हमसे बात किया है। And Lord, as we prepare for the day of the Lord, the Sunday service, may your spirit-filled churches experience a revelation of your glory. और होने जैसे हम आने वाले रविवार के लिए खुद को तैयार होते हैं, परमेश्वर तेरी महिमा से तू अपनी कलीसिया को भर दे। All honor and glory. सारा आदर और महिमा belong to you. तुझी को देते हैं। Thank you. धन्यवाद। In Jesus name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. And God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। This is a great day. एक महान दिन है। Enjoy this day. इस दिन का आनंद आप लें। Remember. याद रखिए। Your God is mighty. आपका परमेश्वर शक्तिशाली और सर्वशक्तिमान है। ये महान है। And is greatly to be praised. महानता के संग आपको उसकी स्तुति करें। Is glorious. और वो महिमामय है। Brilliant. और वो ज्योतिमय है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Amen. Amen.